सही भाभी अपने कमरे में नहीं है। दीवारे दीवा, अगर सही अपने रूम कमरे कक्ष में नहीं है तो कहाँ है? हाँ पता नहीं। अरे आज तो उनकी छुट्टी भी थी कॉलेज की। फिर पता नहीं कहाँ जा सकती है वो। हुनो यार, तुझे पता है सही कहाँ है? करिश्मा जा, जाके अश्विनी से पूछ कि उसकी चहेती बहू कहाँ है। आई ये तो सही की हैंडराइटिंग है। मेरी प्यारी आई, अब जब ये लेटर पढ़ रही होगी मैं वहां से जा चुकी होंगी। मैं जानती हूँ इस बात का आपको गहरा सदमा लगेगा, लेकिन मेरा यकीन मानिए मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा था। बहुत सोचने समझने के बाद मैंने घर छोड़ने का फैसला लिया है। क्यों सही, मैंने नागपुर मेडिकल कॉलेज से अपना ट्रांसफर करवा लिया है। मैं गढ़चिरौली वापस जा रही हूँ, अपने घर वापस जा रही हूँ। वहां से खुद को आबा के और उनकी यादों के करीब महसूस करती हूँ। सही, सही, मुझे एक दिन तो यहाँ से जाना ही था। बस आप ये समझ लीजिए कि वो दिन बहुत जल्दी आ गया। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ आई, और हमेशा करती रहूंगी। आज तक आपने मेरे लिए जो कुछ भी किया मुझे चिंता, मुझे जितना प्यार किया मैं उसके लिए आपका कितना भी शुक्रिया अदा करूंगी वो कम है। अगर मैंने आपको कोई दुख पहुंचा नहीं सही, ये क्या कर दे? अगर मैंने आपको दुख पहुंचाया तो मेरी इस हरकत को आप बच्चा समझकर छोड़ दीजिए। अगर इस हरकत से आपको कोई निराशा हुई है तो प्लीज मुझे माफ कीजिए। अपना ख्याल रखिए, दूसरों के खातिर बहुत जिले, अपने लिए जीना शुरू कीजिए। मैं आपसे मिलकर आपको बाय बोलना चाहती थी, लेकिन मुझे पता था आप मुझे खुद से दूर नहीं जाने देंगी, इसलिए आपको चिट्ठी लिख रही हूँ। एक बार और आपसे अपनी हर गलती के लिए माफी मांगती हूँ, हो सके तो मुझे माफ कीजिएगा। सही सही, ये क्या हो गया? सही विराट, मेरा बच्चा, बेटा तू ठीक तो है ना? तुझे कहीं चोट तो नहीं लगी? हे बप्पा, मेरे बच्चे को बचाने के लिए तेरा आभार। ये किधर जा रहा है? बेटा कहाँ जा रहे हो? क्या हुआ आई? क्या है ये? क्या? देखो क्या है। मेरी प्यारी आई, अश्विनी बहनी आप इतने टेंशन चिंता भरी में क्यों लग रही है? क्या हुआ?
अश्विनी काय झालं? सई घर छोड़ के चली गई हमेशा के लिए। लेकिन सही पूजा के वक्त तो यही थी, फिर वो गई कब? मुझे नहीं पता, वो कॉलेज जा रही है ऐसे बोल कर गई थी। कहीं ये लड़की हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही? वो क्या कहते हैं, कहीं कोई प्रैंक तो नहीं है ये? इस लड़की ने जब से इस घर में कदम रखे हैं, एक दिन भी चैन से नहीं रह पाए हैं हम। बस रोज कोई ना कोई ड्रामा खड़ा हो जाता है। हो ना बहनी? अरे हम सबको पता है कि सई इस परिवार वालों को परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकती है। अरे किसी भी हद लिमिट सीमा तक जा सकती है, हो कि नहीं? ओह, तो इसलिए सई बार बार कह रही थी कल से, मतलब आज से सब ठीक हो जाएगा। कल ही मुझे कह रही थी वो कि उसने सारी प्रॉब्लम्स को हल करने का तरीका ढूंढ लिया है। मुझे नहीं पता था कि उसने ये ऐसा तरीका ढूंढा है। तुझे ऐसे कैसे नहीं पता चला विराट? तुम दोनों तो एक साथ एक ही कमरे में रहते हो ना, फिर तुझे कैसे इस बात की भनक तक नहीं लगी? सई जिस दिन से इस घर में आई है एक ही चीज बोल रही है, मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। जीवा सच बताऊं तो आज उसके जाने से मुझे इतनी सी भी हैरानी नहीं हो रही। नहीं हो रही है। और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे इस बारे में कुछ भी पता होना चाहिए? सही और उसकी हरकतों के बारे में मैं कुछ नहीं जानता हूं। कोई मदद करो, एक लड़की यहां पर गिरी हुई है, कोई मदद करो, कोई इस लड़की को बचाओ, कोई आओ प्लीज, कोई मदद करो। मिलिंद, सही,